हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद साहिल। दिस इज़ सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल एंटीकोगुलेंट इज़ हेपेरिन। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट मतलब होता है कि, देखिए, एंटी मतलब कि विरोधी, कोगुलेंट मतलब खून का जम, जो खून को जमने में मदद करता है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि मैंने आपको पहले क्लासेस में पढ़ाया है कि अगर हमें कभी चोट लगती है, ब्लड निकलता है, तो प्लेटलेट्स की मदद से और कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, उसकी मदद से ब्लड बहना बंद हो जाता है ताकि हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो सके। लेकिन हमारे जो ब्लड के हमारे जो वेसल्स हैं उसके अंदर तो ब्लड हमेशा बहता रहता है, उसमें क्यों नहीं जमता? क्योंकि वेसल्स के अंदर कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं, मतलब कि जो उसमें उसे जमने से रोकते हैं, वो क्या होते हैं? हेपेरिन। ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होता है? हेपेरिन। एंटी मतलब कि जो नहीं होने देता, क्या नहीं होने देता? कोगुलेंट मतलब कि खून को जमने नहीं देता जो, ठीक है, वो क्या होता है? हेपेरिन हमारे वेसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड जब बाहर निकलता है तब तो वेसल्स के अंदर है नहीं, इसलिए हेपेरिन वहाँ पे काम नहीं करता और ब्लड हमारा जम जाता है। ओके, सेकंड, WBC मैंने आपको पढ़ाया था, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं इसको, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें से सबसे, इसमें बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, ये उनमें से सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? वो होती है मोनोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट, आपको याद रखना है। दूसरी, मोस्ट एबंडेंट WBC मतलब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, कौन से टाइप के WBC सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वो होती है आपके न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल 20-25% तक पाई जाती है, मोनोसाइट आपकी 6-8% तक पाई जाती है। ओके, अब देखिए, आपसे पूछा जाता है ब्लड हमारा रेड क्यों होता है, ब्लड के रेड होने का कारण क्या है? RBC जो हमारी होती है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करवाता है। ठीक है, और बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है। तो उसमें ब्लड रेड क्यों होता है? RBC में एक फैक्टर पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के रेड होने के लिए। अब देखिए, हीमोग्लोबिन का भी मेजर कंपोनेंट पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो होता है आयरन, Fe, फेरस इसको कहते हैं। साइंटिफिक इसका जो सिंबल है, एक जो आप पीरियोडिक टेबल में सिंबल पढ़ते हो वो Fe पढ़ते हो, Fe मतलब फेरस, फेरस ही आयरन होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, वो होता है आयरन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आयरन खाओ खून बढ़ेगा, स्पिनच पालक खाने से, पालक में बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए पालक खाने को रिकमेंड करते हैं। अगर आपको एनीमिया हुआ है, एनीमिया मतलब खून की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपको पालक खाना रिफ़र किया जाता है ताकि फेरस की मात्रा बढ़े, आयरन की मात्रा बढ़े और आपका हीमोग्लोबिन बढ़े और उससे हमारी RBC बढ़े, राइट? तो आपको मेन याद क्या रखना है इसमें कि ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है या आयरन पाया जाता है। ओके, अब देखिए, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हमारा आपने बहुत सुना होगा ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब है? जो हमारी वेसल्स है ना, वेसल्स के किनारे किनारे कुछ फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ल्यूमेन मतलब उसका जो छेद हो जाता है वो छोटा हो जाता है, तो ब्लड वहाँ से आसानी से बह नहीं पाता, बहुत प्रेशर के साथ बहता है, हमारे हृदय को बहुत ज़्यादा उसे पंप करना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है उसे फ्लो करवाने के लिए। तो क्या होता है, हमारा जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है तो कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ओके, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको मेज़र कैसे करते हैं? जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, उसको कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये आपका क्वेश्चन आ रखा है इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्या? स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, अब आपका आता है ECG। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ग्राफ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्राफ मतलब वैसे तो हम समझते हैं जो ग्राफ बना होता है वो ग्राफ, नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत नामकरण इसका किया गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये एक मशीन का नाम है और इससे जो ग्राफ निकलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसनॉमर है, गलत नामकरण किया गया है, लेकिन आपको इसी तरह से याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे निकलने वाला जो ग्राफ मिलता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है, ग्राम कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, ईसीजी मशीन क्या होती है, आपके मतलब हार्ट में, हार्ट की पंप करने की में कोई भी गड़बड़ी आ रही है, आपके हार्ट में कोई बीमारी है, तो उसको नापने, उसको मेज़र करने के लिए ये मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या करती है, ब्लड के, ब्लड कैसा पंप कर रहा है उसको देखती है, रिकॉर्ड करती है, और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसके हिसाब से हम बीमारी का पता लगाते हैं कि आपके हार्ट में कौन सी बीमारी है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।